चीन ने अपने पहले एडवांस सुपरसोनिक विमान का परीक्षण किया है जो परमाणु हथियार ले जाने में और मौजूदा किसी भी मिसाइल रोधी रक्षा प्रणालियों को भेदने में सक्षम है। चाइना एकेडमी ऑफ एरोस्पेस एरोडायनेमिक्स यानी CAA ने एक बयान में कहा कि शिंगकांग 2 को उत्तर पश्चिम चीन के एक परीक्षण स्थल से लॉन्च किया गया। एक रॉकेट के जरिए एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया गया। यह स्वतंत्र रूप से उड़ा और पूर्व नियोजित क्षेत्र में उतरा। सुपरसोनिक विमान का डिजाइन CAA ने चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन के साथ मिलकर बनाया है। सैन्य विशेषज्ञ सोंग जोंगपिंग ने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स को बताया कि वेव राइटर एक उड़ान वाहन होता है जो वायुमंडल में उड़ता है और अपनी हाइपरसोनिक उड़ान से पैदा शॉक वेव का इस्तेमाल कर उच्च गति से ग्लाइड करता है। अमेरिका और रूस दोनों इसी तरह के परीक्षण कर रहे हैं। चीन का यह नया हाइपरसोनिक विमान इतना तेज उड़ता है कि यह मौजूदा एंटी मिसाइल डिफेंस प्रणालियों के लिए चुनौती है। विशेषज्ञों के मुताबिक वेव राइडर को किसी भी रॉकेट से लॉन्च किया जा सकता है। इतना ही नहीं, वेव राइडर परमाणु और पारंपरिक हथियार दोनों ही ले जाने में सक्षम है। विशेषज्ञों का कहना है कि परीक्षण से यह साफ दिखता है कि चीन अब अमेरिका और रूस की तरह खुद को विकसित कर रहा है। बता दें कि चीन ने इस साल $175 अरब का रक्षा बजट पेश किया था। साथ ही वह अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ से बराबरी के लिए डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट में काफी खर्च कर रहा है। इससे साफ है कि चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है जिससे वो दुनिया में अपनी शक्ति को दिखा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो भारत तक को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए।